सभी को मेरा प्रणाम। मैं लवी पंत अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मैं आज गया था, स्कूल गया था, अभी पहुँचा हूँ, अभी घर ही में हूँ। ये तो आज भी वही काम जो कल हुआ, यानी कि भटका काम, काले भट छुटे आज भी। आज तो थक जैसा गए हैं, हाथों में भी दर्द हो रही है भाई। और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं छोटी सी क्लिप के साथ। आज फिर काली भट्टी की चुटाई चल रही है, तो अभी थकान लग गई है। देखिए तो धूप भी चली गई हमारे यहाँ पर, तो अंधेरा जैसा हो गया है। देखिए धूप थोड़ी लेट आती है ना यहाँ पर जाड़ों के समय में। तो ये देखिए इसका डस्ट है जो, तो भट्टे के नीचे होंगे दबी हुई भी। ये हमारा बंटी भी खेल रहा है यहाँ पर। ये बंटी को देखिए, बंटी के साथ काम में लगा हुआ है। तो बंटी जा, उधर जा बंटी, बंटी उधर जा, उधर जा कह रहा हूँ। ये देखिए बंटी को खेल लग रहा है बंटी हमारा। ये ऐसा इतना शैतान है बंटी, ये बड़ा खतरनाक है बंटी। ये भाई साहब बहुत जोश आता हुआ। ये देखिए, अरे भाई साहब, अरे भाई मुझे नहीं, वाह शाबाश शाबाश, ये शाबाश, सेंटर में पड़ती भी। देखिए जोर से भट के सेंटर में पड़ेगी ना, वो भट का दाना है तो नीचे चले जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा नीचे। जो लगा के ऐसा तो भाई लगे हुए हैं पीछे मेरे, तो भाई लग रहे मेरे काम में लगातार है, लग रहे हो बिचार है। मुखला लगा था, मास्क लगा रखा मुखला, कोरोना स्टार्ट हो चुका है। कोरोना स्टार्ट मतलब ये है कि उसका तो धूल। तो अब थोड़ा लगभग हो गया, थोड़ा बहुत है गिपा काम। आप जो मम्मी ये नट बताने रहे जो लास्ट में बज रही हो, तो ये भटक गयो नट, तो बताने रहे मम्मी आप तो स्कूल बढ़ाई है लास्ट में भेज रही हो ऐसा। आप देखने में तो काल भट बड़ी देखी नन्ने दली चुटना, तो दली हूँ आफत असली। तो देखिए इतना नट बांध दिया है और होंगे इसमें कुछ कुछ बरासी से बांध रही है। देखिए आज सारा आप लोग को ये देखिए भट, इसमें काले भट दिख रहे होंगे, काले भट के बारे कोई कोई दाने होंगे इसमें, रस्ट होता है इसमें। देखिए काले भट इतना चट्टा लग गया है। माल्टा का पेड़ है यहाँ पर, इसके यहाँ पर देखिए माल्टा के दाने भी लगे हैं हमारे। काले भट तो दो दिन लग गए इसमें, कल भी किया हमने काले भट की जुटाई, तो आज भी की। तो आज टाइम लग गया है, आज भी शाम हो गई, चलो धूप चले गई हमारे वहाँ, धूप ही चले गई है। भाई साहब हमारे ये दिख रहा है घर, तो बाड़ी गुरु ब्लॉग्स को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करना आप सभी। तो जो बलदा गंज है ना, बलदा गंज वो जरूर दबा दिया तुम, तो बलदा गंज तो क्या दबा दिए। तो शाम हुई है अभी, देखिए इतना डस्ट बच गया, अभी फटेला लगाएंगे इसका, यानी कि पंखे से आजकल, हाथों से तो होता ही नहीं है, हाथों हलारे वातों सब मशीनरी से चलता है आजकल। तो अभी उसका फटेला लगाएंगे, तो उसमें जो दाने बीच बीच में दाने हैं उनको साफ करके रखेंगे फिर। तो ये देखिए इतना डस्ट है अभी इसमें, तो अभी फटेला लगेगा। पहले तो यानी कि चादर वादर से लगता था, फटेला लगाते थे पहले, आजकल दो आदमी होते थे तो फटेला लगाते थे, आजकल पंखे का ही है काम। तो अभी पंखे से लगाते हैं, हो गई है शाम,
अब चले गए हमारी साइड को धूप। तो ये देखिए धूप ही चली गई इस साइड को, ये पूरा गांव, ये देखिए। तो पहाड़ी को कैसा लगा फिर आपको बरसुटाई? अरे कैसा हो रहा? अरे ऐसा दादा गजब रख गया अनुभव तो मैं। अच्छा? ऐसा लग गया कि क्या बताएं आपको। तो ये जो हाथ है ना, हाथ ये 2.5 किलो का हाथ है, तो 10 ग्राम का हाथ हो गया, ये 2.5 किलो का हाथ नहीं रहा अभी। अच्छा। तो इससे ऐसा हो गया कि नसों में जैसे चूहे नहीं जाता बिल में। अच्छा। अब खून कैसे जाएगा इसमें, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। खाने के लिए सब्जियां खाओ भी, हरी सब्जियां खाओ ना। अब सब्जी साग पात है नहीं रिवाज, साग पात और टाइम से थोड़ा दिन में आल खाओ मैं आलो थेचु आलो यानी कि आलो पानी, आलो पानी यानी कि आलो थेचु खान पड़ो खो लेनी भी हो, खो लेनी भी हो, खो लेनी खोलन उसे कुने ब्या खोलन यानी कि सबसे गर्म भी उसे कुने ब्या खोलन। तो आलू का थिचवा खाएंगे आप हम, आलू यानी कि आलू का पानी। इस सीजन में सब्जी भी कोई नहीं होती है, नहीं तो लौकी कद्दू 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 यानी कि 15-20 दिन तक तो हमने लगातार कद्दू खाया है। कदवा छुम और कदवा छुम और लौकी साग हमल 20-25 दिन तक खाई दियो। आप तो काल भटो रस कब मिलने से खानी, मेरा तो फेवरेट है काले भटकी दाल यानी कि भटका चुटकानी कहते चीजें, वाह मजा आ जाता है जब। तो जिन्होंने पहले खाया है जो बाहर है हमारे चचा दादा ताऊ लोग, तो उनको पता ही होगा कि काले भटकी चुनकानी खाने में क्या आग में पक जाए। तो भले ना उनका लोड है तो कैसे खा रही थे? अरे मतलब इस लाग नहीं भेना वो ज्यादा लियो उमाल मारने, मतलब काल भटो रश बनने ले उमाल मार में थोक मारने यानी कि धुंगारो ना उधर गचा भेजने बोला इस है नहीं बोला। अरे मन में जैसे मुरमुर मुरमुर अरे रे 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 उधर ली गचा भेजने पे उधर ला वो काल भटो। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, इस ब्लॉग को। तो कल मिलते हैं आपसे एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन यानी कि जो बल्द घन आती जो बल्द घन उसका जरूर दबा दिया तुम, टन 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 वाल जरूर दबा दिया। तो मेरे साथ यानी कि मेर दगाड़ मेर ननवाल भाई यानी कि हिमांशु पंत पंत ब्लॉग और मुँह पहाड़ी गुरु ब्लॉग गोलबंद ब्लॉग पहाड़ी गुरु बंद ब्लॉग ना गोलबंद ब्लॉग से मेरा नाम ललित पंत। तो हम पाली गांव बैठे यानी कि पाली पोस्ट पोखरी गंगोली हाट यानी कि तहसील गंगोली हाट भी अमोर। तो वहाँ बैठे तो मिलनू तुम्हारे गाड़ नई ब्लॉग साथ यानी कि भोलिन। तब तक के लिए नमस्कार बाय पहलाग। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।